Good afternoon to all participants. I am thankful to Department of Justice for giving an opportunity. हम लोगों को ये मौका मिला I4C को प्रेजेंट करने का. मैं भी मैडम को सुन रहा था पीछे, मुझे लगा कि मैडम को शायद I4C के बारे में नहीं पता है और मैडम ने I4C का नाम नहीं सुना है और इसलिए अवेयरनेस का मैडम ने ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे फोकस किया है. मैडम, आई वांट टू कंफर्म यू दैट ये अवेयरनेस का जो फंक्शन है, हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम मैनेजमेंट करके I4C का एक वर्टिकल है, वी लुक आफ्टर दैट अक्रॉस द कंट्री. हम लोग इसमें रन करते हैं, अपने हैंडल्स हैं हम लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. हम लोगों ने विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस किया है इस बारे में और काफी लार्ज स्केल पे अवेयरनेस हमारा होता है. इवन मीनाक्षी मैम हैज वेंट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी ओनली. आई नो अबाउट I4C. And Premnath sir is also attending the function. He is the one of the I4C legal advisor to I4C MHA. File sharing. मैं सर प्रणाम करता हूँ सर. परमिशन लेता हूँ स्टार्ट करने की सर. ठीक है, परमिशन का कुछ ऑप्शन फिर स्क्रीन पे खोल के स्क्रीन पे खोल दीजिए. नई शेयरिंग वाली मैं माफ़ी चाहता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा कुछ तकनीकी खराबी के कारण. MHA ने एक स्कीम लॉन्च किया था I4C, ऑनरेबल HM साहब ने 2018 में इसको लॉन्च किया था. हम I4C के सात वर्टिकल्स हैं. I4C का मैंडेट है कि साइबर क्राइम के प्रिवेंशन पे काम करें, उसकी अवेयरनेस पे काम करें और जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं अक्रॉस इंडिया पूरे भारत के अंदर, उसके जो इश्यूज़ हैं, जो उनसे उनका कोऑर्डिनेशन करना, उनका इश्यूज़ डील करना और बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, ये I4C का काम है. I4C के सात वर्टिकल्स हैं, मैं उनके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ. नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट है जो हमारा ओपन सोर्सेस पे जो भी हमारे थ्रेट्स आते हैं, हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो डेली फ्लैग डाउन करती है इसकी. जो साइबर क्राइम के केसेस रिपोर्टिंग होते हैं उनको हम डेली कंसर्न मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज को फॉरवर्ड करते हैं और एडवाइजरीज इशू करते हैं रिगार्डिंग जो साइबर क्राइम. रेगुलर हमें पैटर्न मिलता है, नया पैटर्न जो भी हमारे पास आता है उससे रिलेटेड हम एडवाइजरी इशू करते हैं. फिर है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसमें एक पोर्टल है MHA का, जिसमें कोई भी सिटीजन कोई भी साइबर क्राइम रिपोर्ट कर सकता है, जिसमें दो वर्टिकल्स हैं. एक आप चाहें तो उसको ट्रैक एंड फाउंड में भी डाल सकते हैं. अगर कोई अनोनिमस कंप्लेन करना चाहता है, जो अपना नाम नहीं देना चाहता, वो भी इसके थ्रू कंप्लेन लॉन्च करता है. ये इफेक्टिव पोर्टल है हमारे यहाँ. पिछले 2-2.5 साल के अंदर 14 लाख के करीब हमारी कंप्लेंट्स इसमें आ चुकी हैं और इसमें कंप्लेंट जैसे ही सिटीजन लॉन्च करता है, इमीडिएटली ये कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाती है और उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्टिकल है जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम है हमारी. ऑल इंडिया को हमने, जो पुलिस है हमारी ऑल इंडिया पुलिस, उसको हमने 7 भागों में डिवाइड किया है क्योंकि इंडिया में 2 या 3 जगह से हॉटस्पॉट्स हैं जो मेजर हॉटस्पॉट्स हैं जो पूरे इंडिया को इम्पैक्ट डालते हैं. जैसे जामताड़ा हो गया, बिहार हो गया, देवघर हो गया, टिड्डी हो गया, गया हो गया, दुमका हो गया. ऐसे ही राजस्थान में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 हरियाणा में हैं हमारे, जिसमें अलवर, भरतपुर, नूह और पलवल आते हैं, जिसके अंतर्गत ये मेजर साइबर क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं, जहाँ से गैंग्स गांव के गांव हैं जो इस सब काम में लगे हुए हैं वो. और करीब करीब जो हमने कैलकुलेट किया है वो 400 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं. वो पूरा गांव इस काम में लगा रहता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो यूथ हो रहा है अट्रैक्ट हो रहा है उस तरफ. इसके लिए हमने स्टेप्स उठाए हैं लोकल अथॉरिटीज़ और लोकल हमारा जो स्टेट गवर्नेंस है उनके साथ मिलके कि इसको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में हम काम कर रहे हैं. नेक्स्ट वर्टिकल है हमारा एक नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, एडवांस लैब है हमारा, जो दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम विंग है, इफ्सो करके है, पहले साइपेड बोलते थे इसको, अब इफ्सो बोलते हैं, प्रेमनाथ साहब उसको हेड करते हैं. ये एक एडवांस लैब है हम लोग के फॉरेंसिक लैब, जिसमें मेमोरी फॉरेंसिक्स है हमारे पास, हार्डवेयर फॉरेंसिक्स है हमारे पास, वीडियो फॉरेंसिक्स, फोटो फॉरेंसिक्स, ऑडियो फॉरेंसिक्स हमारे पास है, चीफ फॉरेंसिक्स हमारे पास है, सभी तरह का एडवांस लैब हमारे पास है ये. और जिसका फ़ायदा हमारी पुलिस काफ़ी लार्ज स्केल पे ले रही है
हमारे पास दो वर्टिकल्स ऐसे हैं लैब के अंदर जिनको हम रिमोटली एक्सेस देते हैं अक्रॉस इंडिया, किसी भी एजेंसी को चाहे तो वो इस लैब की जो फैसिलिटी है इसको यूज करके अपनी फॉरेंसिक्स एनालिसिस कर सकते हैं अपने एविडेंसेस और सैंपल्स के ऊपर। उसके बाद है नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। हमारा एक रिसर्च से रिलेटेड एक इनोवेशन सेंटर है जिसमें हैदराबाद विंग है हमारा, एनसीआरबी के अंडर में आता है, वी पेरेंट एनसीआरबी के अंडर में, जो लेटेस्ट हमारे पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करता है साइबर क्राइम के, जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो फ्यूचर क्राइम आने वाले हैं, जो साइबर क्राइम्स अभी प्रिवेलिंग हैं, जो आजकल सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग होता है हमारा जो पोर्टल पर रिपोर्टिंग होता है उसको लेके हम सबसे ज़्यादा इस पर पैटर्न स्टडी करते हैं और उस पर एडवाइजरीज और जो एसओपीज बनती हैं इसको इशू करते हैं। फिर हमारा नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है एनसीआरबी के अंडर में, एक एडवांस ट्रेनिंग सेंटर लैब है जिसमें हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, मॉड्यूल्स बना के ऑनलाइन भी हमारा एक साइट ट्रेन पोर्टल है उस पर एक वो भी चल रहा है जिसको आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट आईडी से, और हमारे मॉड्यूल्स उसके ऊपर हैं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड साइबर क्राइम्स की एसओपीज उसके ऊपर हैं, एडवाइजरीज उसके ऊपर हैं, सर्कुलर्स हमारे उसके ऊपर हैं। फिर नेक्स्ट वर्टिकल है हमारा नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट। ये कि बहुत बड़ा मैंने वर्टिकल है अपने आप में, इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी से मिलके और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी से मिलके हम लोगों ने कोर्सेज को इनिशिएट कराया है साइबर हाइजीन को लेकर, साइबर अवेयरनेस को लेकर, और कुछ कोर्सेज भी इनिशिएट कराए हैं आईआईटी में और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर है, मीडियम स्टैंडर्ड्स पे है। बचपन से हम लोगों ने कोशिश किया है कि बच्चे को साइबर हाइजीन के बारे में एक नॉलेज दी जाए ताकि उसको बचपन से ऐसी प्रैक्टिस हो जिससे कि वो ये साइबर क्राइम और जो छोटे छोटे क्राइम है बच्चे जिनके इग्नोरेंस रहते हैं उनके बारे में जान सकें और इसके बारे में स्टडी कर सके। और एक हमने जॉब्स लेवल के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी कुछ वैकेंसीज को कोशिश की है क्रिएट करवाने की जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के कैंडिडेट इसमें ज्वाइन कर सकेंगे और उनकी वैकेंसी सेपरेट होगी उसके अंदर। हम लोगों ने आईफोर्सी ने अपनी तरफ से 347 मैलिशियस ऐप ब्लॉक किए हैं जिसमें लोन ऐप्स, जॉब फ्रॉड्स ऐप, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसकी एप्लीकेशन ऑफशोर रीजन से जिनको हैंडल किया जाता था, जो कंसर्न ऑफ कंट्रीज़ हैं हमारी आसपास की कंट्रीज हैं उनसे ये रन होते थे जिनको हमने ब्लॉक कराया। 347 ऐप्स हैं हमारे ये जिसमें काफ़ी रिपोर्टिंग हुई थी, जिसमें लोन ऐप्स एक मेजर क्राइम रिपोर्ट हुआ था जिसमें अक्रॉस द कंट्री अभी तक मेरे हिसाब से 32 सुसाइड्स हो चुके हैं जिसके बारे में हमने एक पूरी रिपोर्ट बना के और ईडी, एमसीए और सीबीआई एंड ईडी को फॉरवर्ड किया है जिसपे काफ़ी लार्ज स्केल पे एक्शन भी हुआ है और रिकवरीज और अरेस्ट भी हुई हैं काफ़ी सारी। फिर हम लोग एडवाइजरीज हमारी 163 साइबर एडवाइजरीज हमारे हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो रेगुलरली हम लोग इस पर अपलोड करते रहते हैं अपनी एडवाइजरीज। हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स से कि वो हमारे हैंडल्स पे विजिट करें और देखेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न्स है क्राइम, साइबर क्राइम से रिलेटेड, वो हम उस पर अपलोड करते हैं। 29 इसमें नेक्स्ट हमारा 153 एलओसी शेयर्ड विद एलईएस, हम लोग एलईएस के साथ भी शेयर करते हैं इसको एनालिटिक प्लेट। साइबर क्राइम मालवेयर्स है हमारी टीम है जो स्टडी करती है, स्टडी करके मालवेयर्स को पैटर्न बनाती है, पैटर्न्स के स्टडी करके भी अगर किसी क्रॉस कंट्री बॉर्डर से या किसी एनिमी कंट्री से रन हो रहा है तो उसको हम ब्लॉक कराने की कोशिश करते हैं। फिर सस्पिशियस ईमेल्स हैं इससे रिलेटेड हम अलर्ट्स इशू करते हैं अपने एनआईसी को, इशू की एनआईसी है या कंसर्न डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्रीज है उसको हम एक एडवाइजरी इशू करते हैं अगर हमें कोई रिपोर्टिंग होता है इस तरह से। ये साइबर क्राइम कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग हुए थे जो हमारी जो थ्रेट एनालिटिक यूनिट है उसने डिटेक्ट किया है। इसमें देख सकते हैं आप कवच की इंस्टॉलेशन है, एक कवच का वर्जन भी हम लोग डिटेक्ट किया था, एनआईसी को कुछ मेल्स फेक थी जिनको यूज करके किया गया था, कुछ मोबाइल एप्लीकेशन थी जिनको डिटेक्ट किया गया। ये कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिनका एक प्लेटफॉर्म है आईफोसी का जिसपे इश्यूज को टेकअप किया जाता है लार्ज लेवल पे। डीओटी इसमें काफ़ी मेजर लेवल पे काम कर रहा है, माइटी एक बहुत एक्टिव मिनिस्ट्री है जिस बारे में जो मेलेसिस ऐप्स और मालवेयर्स को लेकर काम करती है। ये कुछ मिनिस्ट्रीज और बॉडीज़ हैं जिनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन आईफोसी का, जिनसे काफ़ी हम लोग इंट्रैक्शन है, मीटिंग्स होती रहती हैं हम लोगों की साइबर क्राइम के प्रिवेंशन से रिलेटेड। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक नंबर आप याद कर लीजिए लाइफ में, अगर आपको रात को भी अगर ध्यान आए साइबर क्राइम के रिलेशन में कुछ भी, तो एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 जो पूरे इंडिया में कॉल सेंटर्स हैं हमारे स्टेट वाइज सब जगह, और जैसे ही आप डायल करेंगे अपने स्टेट से तो 1930 कॉल करें, आपको कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं, केवल 1930 आप कॉल कर दीजिए
अगर आपका कोई पैसे का फ्रॉड हुआ है तो इमीडिएटली हमारी जो टीम बैठी है वो सभी बैंक से कनेक्टेड है और वो बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहती है 24 घंटे। आप चाहें तो उसको कॉल करेंगे, जैसे ही आप कॉलिंग करेंगे उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी ट्रांजेक्शन आईडी और जो डिटेल्स वो मांगेंगे आप दे दीजिए उनको, और इमीडिएटली आपका पैसा इंटरवीन कर लिया जाता है, क्योंकि तीन चार देखा गया है क्रिमिनल साइबर लेयर्स 3-4 लेयर्स में ट्रांसफर करता है पैसा हमेशा, तो हम लोग किसी बीच ही एक लेयर में हम इसको स्टॉप कर लेते हैं बैंकों के साथ मिलकर, हमारा इंटरेक्शन रहता है उनके साथ, कोऑर्डिनेशन रहता है। अभी तक हमने 136 करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक कर चुके हैं इस 1930 हेल्पलाइन के जरिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका मैक्सिमम अवेयरनेस करें 1930 का आप, और ये हेल्पलाइन एक हमारी सक्सेसफुल हेल्पलाइन है जो सभी स्टेट्स में एक्टिव है। भी हमारे पास साइबर क्राइम जो रिपोर्टिंग पोर्टल है हमारा, सिर्फ 14 लाख कंप्लेंट हम लोग रिपोर्ट हो चुकी हैं और 2500 कंप्लेंट पर डे की अभी तक एवरेज आ रहा है, और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ये करीब 3.5 और 4 हज़ार के करीब पहुंच जाएगा जल्दी। और हमारा 193 जो हेल्पलाइन है 135 करोड़ रुपए हम, जैसे मैंने बताया कि हम इसको रोक चुके हैं, फ्रीज कर चुके हैं, और जिनका विक्टिम्स का पैसा है वो हम लौटा चुके हैं। कुछ पैसा हमारी अभी कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, फ्रीजिंग अकाउंट्स में है, उनको हम कोशिश कर रहे हैं वापस कराने की। हमारा जो वो ऑल ओवर इंडिया का जो साइबर क्राइम है, 50% जो साइबर क्राइम से रिपोर्ट होता है हमारा एनसीआरपी के रिपोर्ट होता है, जिसमें हमारी लोकल पुलिस डायरेक्ट एक्शन लेती है, ऑटोमेटिकली वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और एक मैसेज जाता है आदमी को कि ये आपका आईओ कौन है और किस पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट को भेज दिया गया है। ये हम लोगों की लाभ है, अगर आप देख पाए तो, थोड़ा सा डिले चल रहा नहीं, है। ये हमारी एडवांस लैब है जो कैपेसिटी बिल्डिंग करती है एनसीएफएल में, जो ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसमें जजेस की ट्रेनिंग है, प्रोसिक्यूशन की ट्रेनिंग्स है, और हमारे जो बाकी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर्स में ट्रेन होते हैं, हमारी पुलिस इसमें ट्रेन किया जाता है। पुलिस को 10-10 दिन का एक कोर्स होता है हम लोगों के पास, जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है बाकायदा, हर टूल के ऊपर हम जाके उसको ट्रेनिंग देते हैं। और एक मैं हम लोगों ने डीओटी के साथ मिलकर एक लार्ज स्केल पे इंडिया में जो जितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ये देखने में आया था कि सिम का बहुत बड़ा इशू है, जिसके अंदर बहुत बड़ा रोल है सिम का साइबर क्राइम में, तो डीओटी ने एक टूल डेवलप किया अस्त्र करके, आप इसमें देख सकते हैं जो फोटो आपके सामने है, एक आदमी ने कितने सिम कार्ड अलग अलग फोटोग्राफ्स लगा के, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको इशू कराया है। और ऐसा राइट साइड में एक लेडी देखेंगे आप, जिसकी फोटोज आप देख रहे हैं, अलग अलग उसने कपड़े पहने हुए, अलग अलग उसकी पहचान है, अलग अलग उसने डॉक्यूमेंट्स को यूज करके सिम्स को यूज किया है। तो ये टूल जो है हमने 7-8 स्टेट्स में रन करके देखा है, जहां से मैक्सिमम सिम इशू होते थे वहां से मालूम हुआ है हमने 14 लाख सिम्स ऐसे डिटेक्ट किए हैं डीओटी ने, जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, जिसको जिसके चलते काफी साइबर क्राइम में काफी कमी आई है। और ये टूल कंटिन्यूसली अभी रन कर रहे हैं हम, 36 स्टेट्स में रन करेगा अभी, ये प्रोसेस में है। ये जो हमारा 1930 है सिटीजन सीएफसी फार्म एक पोर्टल है हमारा, जिसके ऊपर हम कंप्लेंट्स लॉज करते हैं, और वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली हमारे जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल उसमें डिसेमिनेट हो जाती है। 1930 में जो फाइनेंशियल फ्रॉड के अलावा कोई भी साइबर क्राइम है रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर वॉलेंटियर्स का हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया है स्टेट्स के साथ मिलकर, हर स्टेट आप साइबर वॉलेंटियर्स बनाता है, जिसमें चंडीगढ़ और काफ़ी कई स्टेट्स का बहुत अच्छा रोल रहा है, जिन्होंने कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे बच्चों को वॉलेंटियर्स बना के और साइबर अवेयरनेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। स्टेट्स ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है आई4सी का, हम इस प्लेटफॉर्म्स पे हैं, जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने अटेंड किया है, ब्रिक्स पे हैं हम लोग, हैं पार्टिसिपेंट्स, मल्टीलेटरल फॉरम्स हैं, ब्रिक्स, SCO, OWG, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, और हम इस प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस MHA का और इंडिया I4C का एक्सेस है इसके ऊपर। ये मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ, इंटरनेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ये उसका पेज है जिस पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये नेशनल साइबर का रिपोर्टिंग पोर्टल है जो HM साहब ने लॉन्च किया था। ये कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ हम लोग जो ट्रेनिंग्स हैं उसको लेके हम लोगों ने कुछ
इनिशिएटिव्स हैं हमारे। अभी तक हम 26,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन कर चुके हैं और जिसमें जजेस भी हैं हमारे, प्रोसिक्यूशन भी है, कुछ हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं काफ़ी, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और मिनिस्ट्रीज़ में जाके हमारी टीम ट्रेनिंग करती है साइबर हाइजीन को लेके, ताकि आप सिक्योर रह सकें। एक लैब है हमारी जिसमें ये फैसिलिटीज़ हैं हम लोगों के पास। ये इनोवेशन सेंटर्स हैं हम लोगों के। इकोसिस्टम मैनेजमेंट जो हम लोगों ने काम किया है इसके ऊपर, साइबर दोस्त करके हैंडल्स हैं हमारे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, अवेलेबल हैं। साइबर परवाह करके हमने मैगजीन रिलीज़ की है, सभी मिनिस्ट्रीज़ को हमने सर्कुलेट किया है। ये हम लोगों का इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया इम्पैक्ट जो साइबर दोस्त का है, ट्विटर पे और सभी सोशल उस पर हैंडल्स पे। ये मैगजीन हमारे होम मिनिस्टर साहब ने और होम सेक्रेटरी साहब ने लॉन्च की थी। मैं कुछ हमारी वीडियोस हैं आपको दिए मैंने, बंद हो जाएगा वीडियो एंड्रॉइड में है। मैं हाँ प्रिंट शीट वाला कुछ वीडियोस हम लोग ने रिलीज़ किया है साइबर अवेयरनेस को लेके और साइबर हाइजीन को लेके। जो हमारे क्रिकेटर हैं सहवाग साहब, वीरेंद्र सहवाग साहब, इन्होंने उस पर ट्वीट किया है और अपनी वीडियोस रिलीज़ की हैं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आ सके और 1930 और हेल्पलाइन का मैक्सिमम एक प्रचार हो सके, जिससे हर आदमी को हर कोने में पता लगे कि एक साइबर हेल्पलाइन है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन MHA की, जिस पर आप किसी भी समय कंप्लेंट कर सकते हैं और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद इमिडिएटली कार्रवाई की जाती है। मैं करता हूँ साउंड इश्यूज हैं मुझे लगता है। DOJ की वेबसाइट पे